स्टूडेंट, आप सभी का गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम DL.ED फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन में यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है कि समाजीकरण का अर्थ क्या है और समाजीकरण की विशेषताएँ क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। समाजीकरण एक लर्निंग प्रोसेस है, मीन्स कि एक सीखने की प्रक्रिया है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव के समुचित विकास के लिए उसका समाज में रहना अति आवश्यक है। वंशानुक्रम से प्राप्त शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास सामाजिक अनुक्रिया के बाद ही संभव हो पाता है। जिस समय बच्चे का जन्म होता है, वह केवल हड्डी, मांस, रक्त इत्यादि का पुतला मात्र होता है। उस समय उसमें न तो कोई सामाजिक गुण होते हैं और न ही कोई समाज विरोधी गुण। धीरे धीरे वह परिवार व समाज के बीच में पलते हुए उसी प्रकार का व्यवहार करने लगता है जिस प्रकार का व्यवहार उसके परिवार व समाज के अन्य सदस्य करते हैं। अतः जिस प्रक्रिया द्वारा प्राणी सामाजिक प्राणी में बदलता है, उसे हम समाजीकरण कहते हैं। बालक का समाजीकरण माता की गोद से ही शुरू हो जाता है और यह जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक समाजीकरण की प्रक्रिया अति तीव्र होती है और उसके बाद यह रफ्तार धीमी पड़ जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया के कारण ही बालक में नैतिकता, व्यक्तित्व विकास तथा सामाजिक आचरण सही दिशा में होता है। इन शॉर्ट, हम कह सकते हैं कि समाज की मान्यताओं, परंपराओं, आकांक्षाओं, सामाजिक उद्देश्यों, सांस्कृतिक अनुभवों को प्राप्त करना ही समाजीकरण कहलाता है। समाजीकरण की परिभाषाएं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने समाजीकरण को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, जिसमें से ग्रीन ने कहा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, निज स्वरूप और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। और न्यूमर ने कहा कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है। अब यह है कि समाजीकरण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो नंबर एक है सीखने की एक प्रक्रिया, कि समाजीकरण जो है वो एक सीखने की प्रक्रिया है। लेकिन इस सीखने में सभी प्रकार का जो सीखना है उसको हम समाजीकरण नहीं कह सकते। समाजीकरण में सामाजिक मानदंड, मूल्य तथा समाज द्वारा मान्य व्यवहार ही आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा कक्षा में या समाज में अनुचित व्यवहार करता है तो उसके इस व्यवहार को हम समाजीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि ये समाज के द्वारा मान्य नहीं है। नंबर दो, समाजीकरण औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। समाजीकरण औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। अध्यापक जब बच्चों को कक्षा में दिशा निर्देश देता है कि उन्हें किस प्रकार का व्यवहार करना है और किस प्रकार का नहीं, तो ये औपचारिक समाजीकरण कहलाता है। दूसरी ओर अनौपचारिक समाजीकरण बच्चे के परिवार से, उसके मित्रों से, उसके साथियों से, उसके खेल के माध्यम से होता है। नंबर तीन, समाजीकरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है, क्योंकि बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। लेकिन किसी अवस्था में उसमें अधिक परिवर्तन आते हैं और किसी अवस्था में उसमें कम, लेकिन ये जीवन भर चलता ही रहता है। नंबर चार, सामाजिक कार्यों में व
भाग लेने के योग्य बनाना। समाजीकरण की प्रक्रिया एक व्यक्ति को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के योग्य बनाती हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है और वो यह सीखता है कि उसे किस पद पर और किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। नंबर 5, अनुकूलन द्वारा सीखना। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना सीखता है और वह परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित बनाना सीख लेता है। नंबर 6, समाजीकरण से आत्म का विकास होता है। आत्म मीन्स खुद का, कि समाजीकरण की प्रक्रिया से व्यक्ति के आत्म का विकास होता है, उसमें खुद के प्रति जागरूकता आती है और वह आत्मनिष्ठ बनता है। नंबर 7, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही एक व्यक्ति संस्कृति से संबंधित रीति रिवाज, प्रथाएं, मूल्यों, मानदंडों तथा समाज के द्वारा मान्य व्यवहारों को सीखता है और इन्हें अपने में आत्मसात करता है और धीरे धीरे संस्कृति, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंश या एक हिस्सा बन जाती है। नंबर 8, अनुशासन व नियमबद्धता। समाजीकरण के द्वारा ही व्यक्ति अनुशासन तथा नियमबद्धता की भावना को सीखता है। अब है कि समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है। जिन पद्धतियों या तरीकों से बालक का समाजीकरण होता है, उन्हें ही हम समाजीकरण की प्रक्रियाएं कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं प्राथमिक प्रक्रियाएं और एक होती हैं गौण प्रक्रियाएं। प्राथमिक प्रक्रियाएं हम किन्हें कहेंगे? इन प्रक्रियाओं में बालक के पालन पोषण संबंधित विधियों की जानकारी दी जाती है। इसके सब पॉइंट हैं, जैसे कि पालन पोषण की विधियाँ, मीन्स कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या होता है, असहाय ही होता है। माता पिता ही वह व्यक्ति होते हैं जो बच्चे की देखभाल करते हैं, जिनमें से जो माँ का रोल होता है वो महत्वपूर्ण होता है, जो बच्चे का लालन पालन करती है। अतः पालन पोषण से जो बच्चे का समाजीकरण होता है। नंबर 2, सुझाव। बालक अनेक प्रकार के सामाजिक व्यवहार अपने परिवार के लोगों के सुझाव के माध्यम से ही सीखता है। सामाजिक नियम, मूल्य, विश्वास, धर्म इत्यादि सामाजिक व्यवहार मुख्य रूप से सुझाव पर ही आश्रित होते हैं। नंबर 3, अनुकरण। जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें बुद्धि व समझ की भावना इतनी विकसित नहीं होती, तो उस समय वह अपने आसपास जो कुछ भी देखता है वह उसका अनुकरण मात्र ही करता है। अनुकरण समाजीकरण की मुख्य सीढ़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो वह अपने मित्रों और आसपास के लोगों के संपर्क में आने लगता है और उनके व्यवहार का अनुकरण करके सामाजिक प्राणी बनता है। नंबर 4, सहानुभूति। सहानुभूति की प्रक्रिया भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज के लोगों के प्रति वह अधिक सहानुभूति दिखाता है, क्योंकि वह उनसे जुड़ा होता है और जब बच्चों के बड़े लोग उनके प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं तो उनमें संतोष की भावना विकसित होती है और उनसे व्यवहार भी प्रभावित होता है। अब हैं हमारी गौण प्रक्रियाएं। गौण प्रक्रियाओं में नंबर 1 है सहयोग। सहयोग का अर्थ है कि मिलकर काम करना। बालक छोटी सी ही आयु में सहयोग करना सीख जाते हैं। पहले बालक अपने परिवार के लोगों का सहयोग करते हैं और फिर बड़े होकर अपनी आयु के बच्चों के साथ सहयोग लेना व करना सीख जाते हैं और यही सहयोग द्वारा बच्चा बड़ा होकर सामाजिक परंपराओं
मूल्यों और प्रथाओं को सीख जाता है। नंबर दो, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करना। प्रतियोगिता समाजीकरण को बढ़ावा देती है। हर व्यक्ति समाज में अपना मान सम्मान व आदर चाहता है, इसलिए वह प्रतियोगिता में लगा रहता है और सामाजिक व्यवहार सीखता रहता है। नंबर तीन, तदात्मीकरण। एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को दूसरे व्यक्ति के अनुसार व्यवहार को ढालना या ग्रहण करना, ये तदात्मीकरण कहलाता है। अधिकतर बच्चे अपने माता पिता, मित्रों, आस पड़ोस के लोगों से तदात्मीकरण स्थापित करते हैं, अतः इसका भी समाजीकरण की प्रक्रिया में विशेष महत्व है। नंबर चार, भाषा। भाषा संचार का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के द्वारा ही एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और अनुभवों को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाता है। भाषा के द्वारा ही बालक को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होता है और उसका समाजीकरण होता है। नंबर पाँच, संघर्ष। व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष किए वह आगे नहीं बढ़ सकता और न ही सफलता प्राप्त कर सकता है। संघर्ष से ही व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है और उसका समाजीकरण होता है। धन्यवाद।